Students, today we are discussing about the topic DFA. DFA deterministic finite automata. Deterministic finite automata. सबसे पहले देखते हैं finite automata क्या होता है. Finite automata. Finite automata is divided into two categories. Finite automata with output और विदाउट आउटपुट. फाइनाइट ऑटोमेटा डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट. फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, इसमें दो चीज़ें आती हैं. एक तो आपकी मोरे मशीन, सेकंड मिले मशीन. मोरे मशीन एंड मिले मशीन, ये होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, यानी कि आपको आउटपुट देंगे. और विदाउट आउटपुट में क्या आती है, इसमें तीन चीज़ आती हैं. एक तो DFA, दूसरा NFA एंड थर्ड वन इज एप्सिलॉन NFA, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन मूव्स. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट. इट इज़ द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन. ये कंप्यूटेशन का सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है, यानी क्या है, ये सबसे सिंपल मॉडल है आपके कंप्यूटेशन का. दूसरा, इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड मेमोरी. इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, यानी कि आप इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते. एंड एवरी DFA कैन बी डिफाइंड यूजिंग फाइव टपल्स. इसके फाइव टपल कौन कौन सकते हैं, क्यू, सिग्मा, क्यू नॉट, एफ एंड डेल फंक्शन. कैपिटल क्यू स्टैंड फॉर सेट ऑफ स्टेट्स. सिग्मा इज सेट ऑफ इनपुट्स एंड क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट. एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स एंड डेल इज ट्रांजिशन फंक्शन. डेल इज ट्रांजिशन फंक्शन. ये सारे ऐसे फाइव टेबल्स हैं जो किसी भी DFA मशीन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं आपकी, यानी कि उस मशीन में कितनी स्टेट्स होंगी, क्यों, कौन कौन से इनपुट यूज़ हो रहे हैं वो आपका सिग्मा बताएगा. इनिशियल स्टेट यानी कि मशीन आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्यू नॉट, एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. इसमें फाइनल स्टेट्स एक तो होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो क्या हो गया, सेट ऑफ फाइनल स्टेट. एंड डेल इज ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन क्या बताएगा, क्या मैं कौन सा इनपुट कौन सी स्टेट के लिए कौन सी स्टेट पे मूव कर रहा है. इसका एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, ये हमने बना दी इनिशियल स्टेट. एक इनिशियल स्टेट को डोनेट करते हैं एक एरो से, डिनोट करते हैं एक एरो से, दिस पॉइंट इज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि कहीं से आपके पॉइंट आ रहा है और आपकी मशीन पे पॉइंट कर रहा है, ये आपकी मशीन यहाँ से स्टार्ट होती है. इसके ट्रांजिशन फंक्शन को नाम लिखते हैं. एक जीरो जीरो वन एंड वन जीरो एंड जीरो सॉरी
ये हमारे पास क्या है, एक मशीन है, ये DFA है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन। तो इसे हम देखना है कि इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इसके कौन कौन से टेबल थे, 5 टेबल से डिफाइन करते थे, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्यू, यानी कि सेट ऑफ स्टेट। सेट ऑफ स्टेट कौन सी होंगी, A, B, C एंड D। इसमें सेट ऑफ स्टेट में सारी स्टेट आएंगी, चाहे वो फाइनल स्टेट हो, चाहे आपकी इट इज आइदर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, दैट इज A, B, C एंड D। सेकंड सिग्मा, सेट ऑफ इनपुट्स, हेयर वी सी विच इनपुट्स आर यूज, हेयर टू इनपुट्स आर यूज, 0 एंड 1 ओनली। तो सेट ऑफ इनपुट्स क्या आएंगे, 0 एंड 1। नेक्स्ट क्यू नॉट, क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट, क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट कौन सी होगी इसकी, ए। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था, ये इज इनिशियल स्टेट और स्टार्ट स्टेट। नेक्स्ट एफ, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, यहाँ पे फाइनल स्टेट आपकी सिर्फ एक है, डी, लेकिन इसे हम कैसे लिखेंगे, सेट की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इस मशीन में हमारी सिर्फ एक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकती है इसी क्वेश्चन में। एंड लास्ट वन इज डेल, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन आपका क्या होगा, सिग्मा इंटू क्यू टेंस टू क्यू, यानी कि कोई भी इनपुट किसी स्टेट के लिए कहाँ मूव करेगा, सॉरी बस इधर मैंने क्यू इंटू सिग्मा टेंस टू क्यू, यानी कि क्या होगा, क्यू आपकी कोई स्टेट है, सिग्मा आपका एक इनपुट है, तो कहाँ मूव करेगा, किसी दूसरी स्टेट पर। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टेट हो गई ए, स्टेट ए के लिए अगर ट्रांजिशन फंक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए इनपुट हमने लिया 0, स्टेट ए फॉर इनपुट 0 कहाँ मूव कर रही है, क्यू पे, यानी कि सी, सी इस सेट में से बिलोंग करेगा सी। सेम ए फॉर इनपुट 1 टेंस टू बी, ये होता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, इस ट्रांजिशन फंक्शन की हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल। आइए बना लेते हैं, ये हुई आपके स्टेट्स। स्टेट्स कौन कौन सी थी, ए बी सी एंड डी, ये हो गए आपके इनपुट्स 0 एंड 1। अब देखते हैं स्टेट ए फॉर इनपुट 0 कहाँ मूव कर रहा है, स्टेट ए फॉर इनपुट 0 कहाँ मूव कर रहा है, सी पर। जैसा हमने ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे लिया था, स्टेट ए फॉर इनपुट 0 मूव्स टू स्टेट सी, सेम स्टेट ए फॉर इनपुट 1 मूव्स टू स्टेट बी, यहाँ क्या जाएगा बी, सेम बी के लिए बी फॉर 0 डी पे जा रहा है, और बी फॉर 1 कहाँ जा रहा है, ए पर। सी फॉर इनपुट 0 मूव्स टू ए, सी फॉर इनपुट 1 मूव्स टू डी, डी फॉर इनपुट 0 मूव्स टू बी, एंड डी फॉर इनपुट 1 मूव्स टू सी। ये होती है आपकी ट्रांजिशन टेबल, ये है आपकी ट्रांजिशन टेबल।
अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है, देखो क्वेश्चन इसका ऐसे आएगा कि कोई आपको लैंग्वेज दी होगी, या तो आपको कोई इनपुट ऐसे दे दिया जाएगा कि आपको एक डीएफए बना के दे दिया और उसके तब ट्रांजिशन टेबल और वो सब बना के दिखाना होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अभी आते नहीं हैं। वो कैसे आएंगे, आपको एक लैंग्वेज दी होगी कुछ भी, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक मशीन डिजाइन करनी पड़ेगी, उसके टपल्स लिखने पड़ेंगे, उसकी ट्रांजिशन टेबल बना के दिखानी पड़ेगी। ये था आपका डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके 5 टपल्स होते हैं, क्यू सिग्मा क्यू नॉट एफ एंड डेल। ये इसके ट्रांजिशन टेबल है, और ये इसके क्या करा हमने, इसके टपल्स डिफाइन किए हैं फॉर दिस मशीन। थैंक यू।